दोस्तों आज ऐसे क्रिटिकल इश्यू पे बात करने वाला हूं जिसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर के जो करियर है वो खराब हो गया है। वैसे तो यूट्यूब ने कई सारे बंदों की लाइफ और सुपरस्टार बनाया है, पर यूट्यूब की वजह से कई सारे यूट्यूबर की जिंदगी जो है वो एक सेकंड में खत्म हो रही है। इस वीडियो पे तब तक कमेंट नहीं करना जब तक वीडियो आपकी समझ में ना जाए, और कमेंट्स करके मेरे को जरूर बताना कि मैं सही हूं ये गलत हूँ। वैसे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कई सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब के मारे हुए हैं। यूट्यूब की गलती की वजह से उनका जो करियर है वो चौपट हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अमेजोन प्राइम डे सेल चल रही है जो कि 6 से 7 अगस्त तक चलेगी। यहां पे काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे होम किचन हो गया, क्लोथिंग हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, यहाँ पे 70% तक डिस्काउंट मिल रहा है। अगर इस डिस्काउंट को आप और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए लिंक पे, मेरे कैशक्रो लिंक पे आपको ओपन करना है, और ये जो डिस्काउंट है ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप यहाँ पे अपनी मनपसंद वेबसाइट पे जाके कैशबैक भी कमा सकते हो। तो कैशक्रो ऐसी वेबसाइट है जहां अपनी मनपसंद वेबसाइट पे जाके, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और एजी होगा, यहां से आप शॉप कर सकते हो और कैशबैक कमा सकते हो। इस कैशबैक को आप अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो या फिर अमेजोन रिवार्ड की तरह इनका यूज कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक पे आप साइन अप करोगे तो आपको ₹25 का साइन अप बोनस मिल जाएगा। देन अपनी मनपसंद वेबसाइट पे जाओ, जैसे मैं अमेजोन पे गया, ऑरेंज बटन दबाओ और यहां से बहुत सारी शॉपिंग करो, और जब शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी माई अर्निंग सेक्शन में जाके आप अपने रिवार्ड को चेक कर सकते हो, और मैं इस रिवार्ड को अमेजोन रिवार्ड की तरह यूज करूंगा जिससे कि मेरी शॉपिंग जो है चलती रहे। दोस्तों देर किस बात की, कैश कमाओ, घर बैठे पैसे कमाओ और आराम से शॉपिंग करो। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जब नया यूट्यूबर यूट्यूब पे आता है और मुश्किल से मोनेटाइज करता है, यूट्यूब उसकी अर्निंग कट कर देता है, भले ही वो अपनी पॉलिसी के तहत बोलता हो कि हाँ इस पॉलिसी में इनवेल्ड क्लिक होता है, इस पॉलिसी में ये होता है इसलिए अर्निंग कट होती है, बट एक्चुअली में अर्निंग तो कट होती ही है, तो इसलिए नए क्रिएटर जो है वहीं से डिमोटिवेट हो जाता है। बट फिर भी वो मुश्किल से मेहनत करके कुछ भी करके अपनी पेमेंट लेता है, भले ही उसकी अर्निंग कट जाए, और वो काम करता चला जाता है। ऐसे में जब उसका चैनल ग्रो होने लगता है और कई उसके सारे दुश्मन भी बनते चले जाते हैं, कई सारे बंदे उसके साथी भी बनते हैं, दोस्त भी बनते हैं, फ्रेंड भी बनते हैं, और यहाँ पे उसके जो उसके हेटर्स है वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब हेटर्स को जो है ना बात हजम नहीं होती, उसकी सक्सेस से बहुत सारे जलने लगते हैं, बहुत सारे क्रिएटर जलने लगते हैं और उसको स्ट्राइक देते हैं, और वो स्ट्राइक बिल्कुल गलत होती है, फेक होती है, ओरिजिनल नहीं होती है। वो बंदा अपने मेहनत से काम कर रहा है, काम करने के बावजूद सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक से उसके चैनल पे 3 से 4 फेक स्ट्राइक आ जाती है। अब आप मेरे को ये बताओ कि उसके चैनल पे फेस कैम है, सब कुछ उसके चैनल पे अपना है, और दूसरा बंदा म्यूजिक के तौर पे मेरा सॉन्ग इसने यूज किया है और उस पे स्ट्राइक आ जाती है, ऐसे में वो बंदा कुछ नहीं कर पाता और उसका चैनल को उसी टाइम बोल दिया जाता है कि आपके पास जो है ना 7 दिन का टाइम है, और जो बंदा स्ट्राइक देता है जब उससे बात करने की कोशिश करता है, आगे से बंदा पैसों की डिमांड करता है, बोलता है कि मेरे को ₹50,000 दे दो तो मैं इस स्ट्राइक को वापस लूंगा। ये YouTube पे बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा, और YouTube इस चीज को समझता नहीं है। मेरे को समझ में ये बात नहीं आता कि यहाँ पे YouTube के जो टूल्स है वो क्या कर रहे होते हैं, YouTube के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कैसे मैच करते हैं। कम से कम ये तो मैच करना चाहिए कि जो बंदा स्ट्राइक दे रहा है क्या उसका कंटेंट वाकई में यूज किया है या नहीं किया है। पर YouTube पे ये आज से प्रॉब्लम नहीं है, ये जब से मैं YouTube पे आया हूँ उससे पहले से प्रॉब्लम चल रही है। कोई किसी को भी स्ट्राइक देता है और वो भी फेक स्ट्राइक दे रहा है, ठीक है, अगर मेरा किसी बंदे ने कंटेंट यूज किया है और मैं उसको स्ट्राइक दे रहा हूँ ये वैलिड है, पर उस बंदे ने कुछ भी यूज नहीं किया मेरा और मैं उसको स्ट्राइक दे रहा हूँ, स्ट्राइक लग जा रही है, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है। YouTube यहाँ पे बहुत बड़ा बग है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इस चीज को देखना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि फेक स्ट्राइक अगर आपके पास लग जाती है तो YouTube आपको फाइल काउंटर के लिए बोलता है कि फाइल काउंटर करो, और यहां तक कि फाइल काउंटर बंदा करता है और उसके बाद भी रिजेक्ट कर देता है, मतलब YouTube चेक ही नहीं कर रहा है, उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है, एक ही फॉर्मेट वो बार बार चिपका चिपका के भेजते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमें आपके जो ये जो फाइल काउंटर है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं है क्या कर रहे हैं। मैंने खुद कई सारे बंदों की फाइल काउंटर किए, रिजेक्ट कर दे रहा है कंटेंट उसका, सब कुछ उसका, और फिर भी ये क्या हो रहा है, ये फाइल काउंटर पे सही तरह काम नहीं कर रहा है, कॉपीराइट दे रहा है, ये कितनी बड़ी मिस्टेक है। और आपको बता दूं कि एक चैनल नहीं, दो चैनल नहीं,
इस एक साल के अंदर पता नहीं कितने ऐसे चैनल होते हैं जो बेवजह बिना किसी रीजन के चैनल जो है टर्मिनेट हो जाता है। मैं यहाँ पे YouTube से ये कहना चाहता हूँ, अगर YouTube टीम का कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, कि कॉपीराइट स्ट्राइक लगने के बाद में आप अपनी तरफ से दोबारा से रिव्यू करिए। किसी भी चैनल को टर्मिनेट करने से पहले ये आपको पॉलिसी में ऐड करना चाहिए, यह चेक करना चाहिए टर्मिनेट से पहले, क्या जिस बंदे ने स्ट्राइक दी है क्या वो वाकई में सच है। स्ट्राइक लग गई कोई बात नहीं, पर फाइनल रिव्यू जब चैनल टर्मिनेट होता है, लास्ट डेट होती है, एंड टाइम पे कम से कम ये जरूर चेक करना चाहिए कि जिस बंदे ने स्ट्राइक दी है, कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, क्या वो सच में सही है या नहीं। प्लीज इस बात पे आप फोकस जरूर करना चाहिए। और आपको बता दूं कि जब किसी बंदे के पास भी फेक स्ट्राइक लगती है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने इसके लिए कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए और जाके फाइल काउंटर कर दीजिए। अगर सही तरीके से काउंटर कर रहे हो फिर भी रिजेक्ट हो रहा है तो बार बार ये प्रोसेस करता रहिए, और जब प्रोसेस आपका एक ना एक बार आपके चैनल के जो फाइल काउंटर है वो एक्सेप्ट होगी। मेरे साथ भी यही केस हुआ था कि फाइल काउंटर एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी, मैं परेशान हो गया था, बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया था, बट फाइनली दोनों की दोनों स्ट्राइक के लिए फाइल काउंटर मेरा एक्सेप्ट हो गया था और मेरी स्ट्राइक रिमूव हो गई थी। ये बहुत क्रिटिकल इशू है, वाकई में कई सारे यूट्यूबर की जो लाइफ है बर्बाद हो गई है, करियर जो है खत्म हो गया है और वो फिर अपने जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। किसी का चैनल 2 लाख का हो, 1 लाख का हो, 50,000 का हो, यूट्यूब को ये मिस्टेक जो है ना देखनी चाहिए, क्योंकि भाई किसी के भी कितने भी सब्सक्राइबर हो उसको जो है ना बड़ा दुख होता है, हर्ट होता है। तो तभी मैं कहता हूँ कि यूट्यूब जो है ना लाइव बना भी देता है, 1 सेकंड में उसकी जो लाइफ है वो बर्बाद भी कर देता। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप सहमत है मेरी बात से तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।